जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो विश्व में लगभग 40 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी के वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है। भारत में लगभग 4.5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी के वायरस की चपेट में आ चुके हैं और भारत में लगभग 10 लाख बच्चे हर वर्ष हेपेटाइटिस बी के क्रोनिक इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों में हेपेटाइटिस बी मौत का तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है, तो इसके बारे में जानकारी होना, अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है। आखिर ये रोग क्या है, कैसे होता है, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं और रोग हो जाने पर इसका क्या इलाज किया जा सकता है, ये सारी जानकारी हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को होना बेहद जरूरी है। और हाँ, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन एक काम जरूर कर देना। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, एक काम जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बेहद अभाव है और यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों की हेल्प कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस इन्फेक्शन के कारण होने वाला रोग है जो कि सीधे तौर पर रोगी के लीवर पर अटैक करता है, जिससे रोगी को लीवर कैंसर, लीवर फेल हो जाना जैसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। भारत में अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी अभियान के गुडविल एम्बेसडर हैं। एक विज्ञापन में बिग बी ने अपनी बीमारी के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो स्वयं हेपेटाइटिस बी के रोगी हैं और पिछले 20 वर्षों से वो इस रोग का इलाज करवा रहे हैं। तो यह तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस रोग का कोई परमानेंट इलाज उपलब्ध नहीं है। तो अब सवाल यह है कि कैसे कोई व्यक्ति इस रोग की चपेट में आ सकता है, यानी कि ये रोग कैसे होता है, ये रोग कैसे फैलता है, इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, कम होती है, उन्हें रोग जल्दी आ जाते हैं। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हें ये रोग जल्दी हो सकता है। जब हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त किसी व्यक्ति का खून किसी भी तरह से किसी स्वस्थ व्यक्ति के खून से मिल जाए तो हेपेटाइटिस बी का वायरस स्वस्थ व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस बी का रोगी बना देता है, या फिर यौन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो दो तरीके हैं, या तो संक्रमित व्यक्ति का खून आपके शरीर के खून से टच कर जाए, या फिर यौन प्रक्रिया यानी कि सेक्स के दौरान व्यक्ति संक्रमित हो जाए। तो यदि आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तब भी यह रोग ट्रांसफर हो सकता है। तो इस रोग के या इस वायरस के किसी के शरीर में प्रवेश करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो सुनिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, सुई, सिरिंज या फिर इंजेक्शन। ये सुई, सिरिंज या इंजेक्शन लगाने वाले उपकरण यदि संक्रमित व्यक्ति को उपयोग में लिया जाए और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के उपयोग में ले लिया जाए तो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अक्सर लोग मेलों में टैटू गुदवाते हैं, तो अशुद्ध उपकरणों से टैटू गुदवाना, शरीर भेदना, ऐसे कार्यों से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। आपस में टूथब्रश, रेजर या फिर नाखून की रेती को साझा करना, एक दूसरे का टूथब्रश को यूज़ कर लेना, रेजर को यूज़ कर लेना, नाखून की रेती को यूज़ कर लेना, ये तरीके भी हेपेटाइटिस बी की संभावना को बढ़ा देते हैं। संक्रमित रक्त की सुई का चुभ जाना या फिर बिना कंडोम के योनि, गुदा या मुख मैथुन करना, ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आप कहेंगे कि छोटा बच्चा तो ये सब करता ही नहीं है, तो फिर छोटे बच्चों के मामले में क्या छोटा बच्चा भी हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि किसी महिला को हेपेटाइटिस बी है और ऐसी महिला माँ बनती है तो माँ बनने पर शिशु का जन्म होने के बाद यदि नवजात शिशु को 72 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया जाए तो ऐसा शिशु हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण, यदि हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त किसी व्यक्ति को इसका टीका नहीं लगाया गया है और ये खुली चोटों से, घाव के माध्यम से एक बच्चे से दूसरे बच्चों के खेलने के दौरान भी फैल सकता है।
तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। डराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी के वायरस को एचआईवी से भी ज़्यादा अधिक खतरनाक माना गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर से बाहर भी कम से कम 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऐसी शक्ति एचआईवी के वायरस में भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का वायरस एचआईवी से ज़्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि ये 7 दिनों तक शरीर से बाहर भी जिंदा रह सकता है और उस अवस्था में वो किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में भी ले सकता है। वैसे हेपेटाइटिस के वायरस भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी। लेकिन हेपेटाइटिस के जितने भी वायरस अभी तक ज्ञात हैं, जिनकी जानकारी हमें है, उनमें से सबसे खतरनाक वायरस हेपेटाइटिस बी को ही माना जाता है। तो अब कैसे पता चले कि किसी को हेपेटाइटिस बी हो चुका है? तो वैसे इस रोग की शुरुआती दौर में कोई खास लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। व्यक्ति अपने आप को साधारण स्वस्थ ही समझता है, लेकिन साधारण खून की जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, कोई व्यक्ति इस वायरस से पीड़ित है या नहीं है। और इस टेस्ट को HBsAg टेस्ट कहा जाता है। ये बड़ा ही साधारण सा खून का टेस्ट होता है, जिसमें सिरिंज के माध्यम से आपके शरीर में से, आपकी नस में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और इसकी जांच की जाती है। ये टेस्ट लगभग हर छोटी बड़ी लेबोरेटरी में आसानी से उपलब्ध होता है, तो समय समय पर आपको यह टेस्ट कराते रहना चाहिए। फिर भी यदि इसके लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी की शुरुआती दौर में थकान आ जाना, खुलकर भूख नहीं लगना, उल्टी आना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, आँखों में पीलापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अधिक लक्षण की बात करें तो बार बार पीलिया होना जैसे लक्षण इस बीमारी में प्रकट हो सकते हैं। इस बीमारी से लीवर संक्रमित हो जाता है और लीवर में सूजन की समस्या भी हो जाती है। कुछ लोगों का लीवर काम करना अचानक एकदम से बंद कर देता है और जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो फिर इस बीमारी का क्या इलाज है? देखिए दोस्तों, वैसे यह बीमारी आपकी एंटीबॉडी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने पर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यानी कि इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, ये आपके शरीर की शक्ति से ही ठीक हो सकता है। इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है, वो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की शक्ति। इसके अलावा इस रोग का एक निदान और है, और वो है टीकाकरण, जो कि बीमारी होने से पहले ही किया जाना जरूरी है। बीमारी होने के बाद पूरी दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तो जागरूकता और टीकाकरण ही हेपेटाइटिस बी को फैलने से रोक सकता है। यही सबसे अच्छा तरीका है। टीकाकरण बहुत सुरक्षित होता है और 95% से भी अधिक मामलों में यह आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करता है। इसमें आपकी उम्र के आधार पर आपको 6 महीने की अंतराल में, अवधि में 2 या 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो टीकाकरण कराया जाना ही सबसे आसान तरीका है। अब क्या करें यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी रोग से ग्रस्त हो जाए? तो क्या उसका मरना तय है? क्या वो मरेगा ही मरेगा? ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो मरेगा ही मरेगा। हमारे देश में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी इस रोग से ग्रसित हैं। पिछले 20 वर्षों से वो इस रोग से ग्रसित हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो फिर क्या करें? बैठे रहें, कोई इलाज ना कराएं? देखिए, जैसे ही आपको ये पता चले कि किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप प्रत्येक 6 महीने से 12 महीने में अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अब चाहे आप खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से राय जरूर लें, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से आप कभी भी अस्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। आप हमेशा जैसे महसूस करते हैं वैसा ठीक ही महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो इसका कारण यह है कि वायरस आपके लीवर को लगातार क्षति पहुंचा सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो आपके लीवर को हमेशा क्षति पहुंचाए, मगर वो आपके लीवर को क्षति पहुंचा सकता है। तो समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाइए। आपका डॉक्टर आवश्यक खून की जांच के साथ साथ आवश्यकता होने पर एक फाइब्रो स्कैन भी कर सकता है। फाइब्रो स्कैन लीवर से जुड़ी एक जाँच है। ये जाँच बताती है कि आपका लीवर कितना सही है, कितना सही कार्य कर रहा है, कितना नुकसान हो चुका है, यानी कि कितना खराब हो चुका है। इस जांच के आधार पर आपका डॉक्टर यह भी तय करता है कि क्या आपको दवाई खाने की आवश्यकता है।
क्योंकि सामान्य रूप में हेपेटाइटिस बी होने पर किसी प्रकार की कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही ठीक होता है या स्वयं ही बढ़ता है। जब तक कि कोई अन्य लक्षण दिखाई ना दे, डॉक्टर आपको कोई दवा नहीं देता है। और हाँ, दवाई लेने से हेपेटाइटिस बी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, लेकिन दवा आपके यकृत की, आपके लीवर की क्षति को, नुकसान को होने से रोक सकता है। ये लीवर कैंसर होने की संभावनाओं को भी कम से कम कर देता है, क्योंकि इस रोग में आपको दवा से ज़्यादा कुछ परहेज रखने की आवश्यकता होती है। तो जान लीजिए कि वो परहेज क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और यदि आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, तो आपको चाहिए कि आप आज ही शराब को त्याग दें, संतुलित स्वस्थ आहार का सेवन करें। ऐसा आहार लें जिसमें ज़्यादा वसा ना हो, ज़्यादा चिकनाई ना हो। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही बंद कर दें। यदि आपको अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार है, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे आज ही बंद कर दें। नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, अपने तनाव का प्रबंधन करें। यानी कि आपको इस रोग को होने पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप टेंशन लेते हैं तो ये रोग तेज़ी से बढ़ने लगता है, और यदि आप खुश रहते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, तो इस रोग के बढ़ने की गति धीमी हो जाती है, और कुछ मामलों में ये बिल्कुल समाप्त भी हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जी हाँ, तो अपने आप को अन्य संक्रमणों से सुरक्षित रखें, टेंशन फ्री रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर ये गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकते हैं और आपके प्रिय लीवर को और अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, और यदि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया जाता है तो आपके घर के सभी सदस्यों को एक बार जांच करवा लें और उनका भी टीकाकरण करवा लें। और एक बात, कभी भी हेपेटाइटिस बी गले लगने से, चुम्बन लेने से, भोजन खाने से, साथ में भोजन खाने से नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी के ग्रसित रोगी के द्वारा तैयार किया गया भोजन करने से भी हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। किसी कीड़े के काटने से, मच्छर के काटने से, जानवर के काटने से भी ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। पसीने से, कपड़े धोने से, छींकने से, खांसने से, बाथरूम या शौचालय साझा करने से, स्विमिंग पूल में तैरने से, ऐसे कारणों से हेपेटाइटिस बी कभी नहीं होता है। सीधे सीधे तौर पर जब किसी संक्रमित व्यक्ति का खून आपके खून से शरीर में मिल जाता है, तभी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने हेपेटाइटिस बी का टीका अभी तक नहीं लगवाया हुआ है, तो आज ही हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। हम कोई हेपेटाइटिस बी के टीके का प्रचार नहीं कर रहे हैं। यदि आप समझदार हैं तो आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, अन्यथा जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसी को चलने दें। लेकिन मेरा आपसे फिर भी एक अनुरोध है, आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, आप चाहें तो इस वीडियो को भरपूर मात्रा में डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ना जाने आपका एक शेयर किसी व्यक्ति की जान बचा ले। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।